हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं अंग्रेजी सामान्य मतलब जनरल इंग्लिश पढ़ रहे हैं। आज आप पढ़ेंगे वार्षिक परीक्षा 2015 में जो ग्रामर पूछी गई थी, उस ग्रामर को कैसे सॉल्व किया जाएगा, और वो भी आसान और नियम के साथ पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, ग्रामर दो क्वेश्चनों में पूछी जाती है। पहला क्वेश्चन खाली स्थान भरने का मतलब फिल इन दी ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड, मतलब सही शब्द के साथ खाली स्थान को भरना होता है। जैसे कि बात करें, पहला खाली स्थान प्रासू इज खाली स्थान एम ए, और इन इंग्लिश तो यहाँ आर्टिकल ए एन दामे से भरना है। तो देखिए, हमने आपको बता दिया है शॉर्ट वाले जितने भी वर्ड होते हैं उनमें ज़्यादातर जो है ए और एन का प्रयोग किया जाता है, कुछ शॉर्ट वर्डों को छोड़ के, जैसे यूएसए, यूके, संघ देशों के नाम बस छोड़ दें, बाकी सभी जगह जो है ए अथवा एन का प्रयोग होता है। और ए का प्रयोग आप लोगों को पता होगा जब हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से उच्चारण स्टार्ट होता है, और एन का प्रयोग पता होगा जब हिंदी वर्णमाला के स्वर से उच्चारण होता है, और दा का प्रयोग तो पता होगा जब कोई परिचित विशिष्ट या कोई प्रसिद्ध चीज की बात की जाती है तो वहां पे दा। अब यहाँ एम ए कोई डिग्री का नाम है, कोई पढ़ाई का नाम है, तो यहाँ जितने भी शॉर्ट वर्ड होते हैं, संक्षिप्त फॉर्म वाले वर्ड जो होते हैं, उनमें या तो ए लगाते हैं या फिर एन लगाते हैं। उच्चारण देखना है, यदि हम उच्चारण देखें तो लिखा हुआ है एम ए, मतलब स्वर से उच्चारण हो रहा है, इस वजह से एन आर्टिकल राइट आंसर होगा। दूसरे खाली स्थान की बात करें, नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा खाली स्थान ही रैन अवे, और यहाँ पे एज सून एज देन एज या फिर कैन, इन चार ऑप्शन में से क्या भरा जाएगा। तो पहली चीज तो आप यहाँ पे देखें तो एज सून एज जो है वाक्य के शुरुआत में होता है, और शुरुआत में तो कोई अदर कंजक्शन दिया गया है, तो नो, यहाँ पे नो सूनर दिया गया है तो एज सून एज तो हो ही नहीं सकता। और नो सूनर के साथ आप लोगों को पता होगा देन का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि नो सूनर देन एक पूरा कंजक्शन होता है जिसमें पहले वाक्य के पहले नो सूनर लगाते हैं और दूसरे वाक्य को हम देन के द्वारा जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देन राइट आंसर होगा। एज सून एज क्यों नहीं होगा, क्योंकि एज सून एज का प्रयोग जो है शुरुआत में किया जाता है, और यहाँ पे जब एक कंजक्शन पहले से दिया गया है तो दूसरा कंजक्शन जो है आ ही नहीं सकता है। अब यदि हम बात करें कैन की, तो यहाँ पे कैन आप लोगों को पता होगा सब्जेक्ट के आगे यदि कैन लग जाए तो वाक्य इंट्रागेटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ इंट्रागेटिव नहीं है, इस वजह से कैन भी नहीं भरा जा सकता। एज की बात करें तो एज दो वाक्यों को जरूर कनेक्ट करता है, लेकिन एक कंजक्शन पहले से दिया गया है तो उसके साथ जो है एज बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो फिलहाल यहाँ नो सूनर देन, आपको नियम पता है नो सूनर देन एक साथ चलते हैं, तो यहाँ पे देन राइट आंसर होगा। तीसरा वाक्य देखते हैं, ही लॉस्ट खाली स्थान द मनी ही हैड, और यहाँ ऑल फ्यू ईच एवरी, तो यदि हम बात करें ईच और एवरी की बात कर लें, पहले ईच और एवरी, तो इन दोनों वर्डों का मतलब होता है प्रत्येक, और इनके बाद जो संज्ञा होती है वो एक वचन होती है, और वो संज्ञा जो है गणनीय होती है। ध्यान रख लें आप कि यहाँ पे ईच और एवरी के बाद हमेशा जो संज्ञा लिखी जाती है वो एक वचन और गणनीय होती है। यहाँ पे यदि हम मनी की बात करें तो मनी जो है अगणनीय की लिस्ट में रखी गई है, तो ईच और एवरी तो हो ही नहीं सकती। बात कर लें हम फ्यू की, तो फ्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्यू का प्रयोग बहुवचन के साथ किया जाता है, और वो भी गणनीय संज्ञा होनी चाहिए बहुवचन में, तो यहाँ पे बहुवचन गणनीय तो है ही नहीं, तो फ्यू नहीं होगा। अब बचता क्या है, आल, तो आल राइट आंसर होगा, और आल के बाद अक्सर आप लोगों ने देखा होगा आल का प्रयोग जो है मात्रात्मक के साथ किया जाता है, पहली चीज, और दूसरी चीज आल का प्रयोग बहुवचन के साथ भी किया जाता है, और तीसरी चीज आल के बाद आपको दा का प्रयोग देखने के लिए मिलता है, तो आल के बाद दा का प्रयोग देखने बिल्कुल मिल रहा है, तो इस वजह से आल राइट आंसर होगा।
देखते हैं चौथा वाक्य है, आई हैव खाली स्थान स्पेयर बुक। स्पेयर बुक का मतलब अतिरिक्त पुस्तक की बात हो रही है, एक्स्ट्रा पुस्तक की बात हम कर सकते हैं। देखें तो यहाँ पे यदि हम देखें आल टू नो मैनी, इनमें से क्या आएगा, तो देखिए आल का प्रयोग जो है हम आपको अभी अभी बता चुके हैं। यदि कोई बहुवचन संज्ञा आती है, गणनीय है, यहाँ पे बुक क्या है, गणनीय है, स्पेयर बुक, तो यहाँ पे जो गणनीय है तो बहुवचन होना चाहिए, लेकिन यहाँ बुक्स नहीं है तो आल तो हो ही नहीं सकता। अभी यदि बात करें टू, तो टू का मतलब होता है दो, और दो में भी चीजें बहुवचन हो जाती हैं, तो यहाँ टू का प्रयोग नहीं हो सकता। मैनी की बात करें तो मैनी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई अनेक होता है, और इसका प्रयोग भी होता है गणनीय बहुवचन संज्ञाओं के साथ, तो यहाँ बुक्स नहीं है तो मैनी भी नहीं हो सकता है। अब क्या बचा है, नो बचा है, तो नो ही राइट आंसर होगा। और नो आप याद रखें, नो का प्रयोग जो होता है अफर्मेटिव वाक्य में एक वचन संज्ञा के साथ किया जाता है। ध्यान रखना कि नो लगा के जो है एक वचन संज्ञा लिखी होती है और अफर्मेटिव वाक्य होते हैं, तो यहाँ जो है राइट आंसर क्या होगा, नो। पांचवा वाक्य देखते हैं, यू खालिस्तान नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक। तो यहाँ पे देखिए आर नीड डू और हैव की बात की गई है, तो एक चीज आप देखिए खालिस्तान में आपको सहायक क्रिया के तौर पे इस्तेमाल करना है, आर नीड डू हैव चारों सहायक क्रियाएं हैं, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आर के बाद यदि एक्टिव वॉइस है तो फिर आई एन जी फॉर्म आता है आर क्रिया के साथ, यदि पैसिव वॉइस हो जाए तो जरूर जो है थर्ड फॉर्म आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो फील लिखा है, फील तो फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म आर के साथ कभी नहीं आएगा, तो आर तो लग ही नहीं सकती। और हैव की बात करें तो हैव आप लोगों ने पढ़ा होगा हमेशा थर्ड फॉर्म के साथ लगती है, और यहाँ फील फर्स्ट फॉर्म है तो हैव भी नहीं लग सकती है। अब देखिए यदि हम बात करें डू की, तो आप लोगों ने देखा होगा डू फर्स्ट फॉर्म के साथ आती है, तो यहाँ पे फील जो है फर्स्ट फॉर्म में डू लग सकती है। यदि हम नीड की बात करें तो नीड के बाद जो है भी फर्स्ट फॉर्म होता है, यदि नीड को एक मॉडल के तौर पे प्रयोग किया जाए तो यहाँ पे नीड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म होता है, डू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, या तो डू आंसर होगा या फिर नीड होगा। लेकिन अब जो है आपको कंफर्म करना होगा कि नीड है या डू है, तो यदि हम देखें तो डू मतलब प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल यदि वाक्य है तो आपकी कोई हैबिट बताई जाती है, कोई आदत बताई जाती है जो आप करते हैं, और नीड मतलब आवश्यकता है, और नीड नॉट मतलब आवश्यकता नहीं है। तो देखते हैं क्या अर्थ होता है, कोई आदत बताई जाती है या आवश्यकता नहीं है का अर्थ होता है। तो देखिए यू खालिस्तान नॉट फील, कि तुम्हें जो है फील करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें जो है फील करते नहीं हो, सॉरी फील नहीं करते हो, ठीक है ना। यदि आप सॉरी फील करने की, आप सॉरी मतलब खेद, पश्चाताप हम कह सकते हैं, तो तुम्हें जो है फॉर दिस पैटी मिस्टेक मतलब इस छोटी सी गलती के लिए, तुम्हें इस छोटी सी गलती के लिए जो है सॉरी कहने की या फील करने की आवश्यकता नहीं है, एक अर्थ ये निकल रहा है, और तुम छोटी सी गलती पर जो है सॉरी फील नहीं करते हो, एक ये अर्थ निकल रहा है। तो देखिए आप छोटी सी गलती होगी तो आप किसी व्यक्ति से यही कहेंगे कि कोई बात नहीं छोटी सी गलती है, तो मैं इसके लिए जो है सॉरी कहने की आवश्यकता नहीं है, तो इस वजह से आपका नीड राइट आंसर होगा। अब यदि हम बात करें आगे डू एज डायरेक्ट में आपके पास एनी फाइव करने होते हैं, और कम से कम 6 या 7 जरूर आते हैं, जैसे पहले वाक्य की बात करें वी डिड इट, और कहा गया है चेंज इनटू नेगेटिव, हमें नेगेटिव वाक्य बनाना है। तो देखिए नेगेटिव कैसे बनाया जाएगा, देखिए डिड पहले से लिखा है, तो ध्यान देना जब भी आपके लिए डू पहले से दिया जाए या फिर डज पहले से दिया जाए या डिड पहले से दिया जाए तो नेगेटिव आप कैसे बनाएंगे। देखिए डू डज डिड तीन में से कुछ भी यदि आपको पहले से दिया जाता है तो आप नेगेटिव बनाने के लिए उनके बाद जो है नॉट लगा देते हैं, ये चीज ध्यान रख लेना, उनके बाद नॉट लगा देते हैं। डू यदि पहले से दिया गया है तो डू नॉट, डज दिया गया है डज नॉट, डिड दिया गया है डिड नॉट, लेकिन ध्यान रखना फिर
नॉट के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म जरूर रिपीट करना होता है। तो इन सब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? डू होता है। डज का फर्स्ट फॉर्म भी डू होता है। डिड का फर्स्ट फॉर्म भी क्या होता है? डू होता है। तो आपको इस डिड की जगह है क्या लिखना होगा? डिड नॉट डू लिखना होगा। तो देखिए क्या लिखा हमने, वी लिखा, और डिड की जगह क्या लिखा? डिड नॉट डू इसका फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड की जगह डिड नॉट तो आप कर सकते हैं, लेकिन डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगा? डू, और एट ऑब्जेक्ट था वैसे का वैसा ही लिखेंगे। दूसरे वाक्य की अब हम बात करते हैं। द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, मेक अ क्वेश्चन विथ हाउ मच, मतलब हाउ मच का प्रयोग करते हुए या हाउ मच के साथ जो है एक क्वेश्चन आपको बनाना है इस वाक्य का। तो देखिए यदि हम वाक्य की बात करें, वाक्य जिस भी टेंस में है उसके जो द्वारा आपको एक इंट्रागेटिव बनाना है, और ऐसा क्वेश्चन बनाना है आपको इंट्रागेटिव, वो हाउ मच के साथ इंट्रागेटिव होना चाहिए। तो देखिए जब तक आपको हाउ मच का मतलब पता नहीं होगा, हाउ मच का मतलब होता है कितना, हाउ मैनी का मतलब भी होता है कितना, लेकिन मच जो है मात्रा को पूछने के लिए किया जाता है प्रयोग। और यदि हम बात करें हाउ मैनी, तो हाउ मैनी गिनती को पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यदि हम बात करें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हाउ मच जिस वस्तु की मात्रा पूछ रही है वो वस्तु होती है, इसके बाद बचा हुआ वाक्य जो होता है वो इंट्रागेटिव की कंडीशन में होता है। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर। तो अब देख लेते हैं कि हमें किस वस्तु की मात्रा पूछनी है। लिखा है द सर्वेंट मतलब नौकर ने, गेव मतलब दे दिया, यू मतलब आपको, ऑल द मिल्क मतलब पूरा दूध। तो नौकर ने तुम्हें पूरा दूध दे दिया। तो यहाँ पे अब आपसे पूछा जाएगा कि नौकर ने तुम्हें कितना दूध दिया, मतलब हाउ मच जो पूछना चाह रहे हो वो दूध की मात्रा पूछ रहे हो। तो फिर क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पे शुरुआत में? हाउ मच मिल्क लिखा जाएगा, क्योंकि हम दूध की मात्रा पूछ रहे हैं, तो हाउ मच मिल्क लिखा जाएगा। अब देखिए जब हाउ मच मिल्क लिखा, बाकी बचा हुआ वाक्य है द सर्वेंट गेव यू। अब देखिए यहाँ पे जो मात्रा पहले बताई गई थी वो मात्रा अब आपको नहीं लिखनी होगी, क्योंकि ऑल द मिल्क अब आपको नहीं कहना होगा। ऑल द मिल्क की जगह हमने कह दिया है कितना दूध, क्योंकि हिंदी में भी आप कहेंगे कि नौकर ने तुम्हें कितना दूध दे दिया, आंसर में होगा कि नौकर ने तुम्हें सारा दूध दे दिया। तो अब यहाँ पे जो सारा दूध था वो वर्ड तो आपको अलग करना होगा। तो ध्यान रखना है जो मात्रा वाली जो है संज्ञा होगी उसको आप अलग करेंगे। तो हाउ मच मिल्क के बाद देखिए इतना सेंटेंस आपको बच गया है, और इतना सेंटेंस क्या बनाना होता है? इंट्रागेटिव। और इंट्रागेटिव सहायक क्रिया को आगे करने से बनता है, लेकिन इसमें सहायक क्रिया नहीं है, लेकिन आपको पता है गिव का सेकेंड फॉर्म गैब है। तो देखिए नियम ध्यान रखना है, यदि कहीं फर्स्ट फॉर्म दिया गया हो तो आप जो है क्या आगे करते हैं? सहायक क्रिया डू आगे करते हैं। एस वाला फॉर्म दिया गया हो तो डज सहायक क्रिया आगे लगाते हैं। सेकेंड फॉर्म दिया गया हो तो डिड सहायक क्रिया को आगे करके इंट्रागेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पे गैव लिखा है, गैव मतलब सेकेंड फॉर्म, तो डिड सहायक क्रिया लगा के इंट्रागेटिव बनाएंगे। तो डिड सहायक क्रिया लगा दी इंट्रागेटिव बनाने के लिए, बाकी बचा वाक्य जो है असर्टिव बना के लिखेंगे। तो द सर्वेंट लिखा हमने, द सर्वेंट के बाद अब ध्यान देना गैव का जब डिड आगे हमने कर दिया है, तो आप लोगों ने देखा होगा डिड डज डू के साथ फिर जो है फर्स्ट फॉर्म लगता है, मतलब गैव का जो है गिव लगाना होगा, और यू ऑब्जेक्ट जो भी था इसके बाद इंट्रागेटिव साइन क्वेश्चन मार्क आपको लगाना होगा। देखते हैं इसके बाद तीसरा, रश्मि क्राइड फॉर वाटर चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यदि आपको नियम पता है कि सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया होती है इज एम आर, और फिर इसके बाद आईएनजी फॉर्म होता है क्रिया का, फिर होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो रश्मि तो सब्जेक्ट है, तो हमने रश्मि लिखा, रश्मि के हिसाब से सहायक क्रिया इज होगी, क्योंकि एक व्यक्ति एक वचन के साथ इज होती है। फिर आईएनजी फॉर्म, यहाँ क्राइड लिखा है तो इसका फर्स्ट फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्राई सी आर वाई क्राई होता है इसका फर्स्ट फॉर्म, और फिर आईएनजी लगाएंगे। तो क्राई में आईएनजी लगाएंगे तो क्राइंग बन जाएगा, और फिर फॉर वाटर जो भी आपका ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट लिखेंगे, आंसर हो जाएगा यही। अगला वाक्य देखते हैं, वी आर कलेक्टिंग बुक्स लिखा है और कहा गया चेंज द वॉइस, वॉइस को चेंज करना है, और आप लोग देख रहे हैं
कि आईएनजी फॉर्म दिया गया है, मतलब एक्टिव वॉइस है तो आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा। और पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ध्यान देना, जब भी आईएनजी फॉर्म दिया जाए तो उसकी जगह आप क्या कर देते हैं, बीइंग थर्ड फॉर्म कर देते हैं। जे नियम बस आपने याद रख लिया यदि, तो जो कलेक्टिंग होगा कलेक्टिंग की जगह क्या हो जाएगा, बीइंग, बीइंग थर्ड फॉर्म, बीइंग कलेक्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कलेक्टेड, तो बीइंग कलेक्टेड आप कर देना। बाकी आपको सिंपल रूल तो पता है, ऑब्जेक्ट आगे पहुंच जाता है तो बुक्स जो है आगे आ जाएगा, और वी पीछे जाएगा तो वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, वाय लग के वाय अस हो जाएगा। अब यदि सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया कभी चेंज नहीं होती है, बस उसी ग्रुप की जरूर हो सकती है, मतलब इस एमआर से ही लगाएंगे। अब बुक्स बहुवचन है तो सहायक क्रिया तो फिर आर लगानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हम कह रहे कि आर की आर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे यदि बुक अकेली होती तो यहाँ एज भी लग जाती, लेकिन यहाँ बुक्स है इसलिए बुक्स के हिसाब से आर सहायक क्रिया आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस। देखिए अगला पांचवा वाक्य, द बेगर वॉन्ट गो अवे, मतलब जो बेगर है भिखारी है वो नहीं जाएगा या दूर नहीं जाएगा या दूर नहीं भागेगा। यू विल गिव हिम सम मनी, तुम उसे कुछ धन दोगे। तो यहाँ पे कहा गया है कंबाइन द सेंटेंसेस विथ अंटिल, अंटिल के द्वारा हमें वाक्य जोड़ने हैं। तो ध्यान देना अंटिल का प्रयोग दो वाक्यों के बीच में किया जाता है, ये चीज ध्यान रख लें आप। अब यहाँ पे जे वाक्य जरूर याद रखें अंटिल का, कि अंटिल का प्रयोग दो वाक्यों के बीच में होता है, लेकिन ध्यान रखना जो वाक्य पहले होता है वो पहले लिखा जाता है, जो वाक्य बाद में होता है वो बाद में लिखा जाता है, ये चीज है। अब देखिए दो वाक्य हैं, हो सकता है जे वाक्य आपको आगे पीछे करके दे देते, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सी क्रिया पहले होगी, भिखारी नहीं जाएगा और तुम उसे धन दोगे। तो पहले वो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो बाद में आप उसे धन दे दोगे और वो चला जाएगा। तो कहने का मतलब है बेगर वाली क्रिया पहले होगी तो यह वाक्य पहले लिखा जाएगा। तो पहले हमने क्या लिखा, द बेगर वॉन्ट गो अवे, और फिर इसके बाद अंटिल, अंटिल के बाद जो क्रिया बाद में हो रही है वो बाद में लिखेंगे। तो बाद में कौन सी क्रिया होगी, यू विल गिव हिम सम मनी, तो यू विल गिव सम मनी, और यही हमारा फिर आंसर हो जाएगा। देखिए अगला छठवां वाक्य दिया गया है, हेड एग्जाम अलॉट ऑफ आई ड्यूरिंग और टाइम। तो यहाँ पे कहा गया है रीअरेंज द सेंटेंस एंड रीराइट, मतलब वाक्य को जो है हमें व्यवस्थित करके जो है पुनः लिखना है, रीराइट का मतलब पुनः लिखना, रीअरेंज मतलब व्यवस्थित करना। तो एक चीज यदि आप देखें किसी भी वाक्य को जब हम व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया आती है, सहायक क्रिया के बाद आता है नॉट, यदि सेंटेंस में है तो नॉट के बाद जो भी फॉर्म होता है क्रिया का वो फॉर्म, इस फॉर्म के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो जनरल नियम तो यही कहता है। तो यहाँ पे देखें हेड एग्जाम आ लॉट ऑफ आई ड्यूरिंग एग्जाम, इन सब में से यदि हम देखें तो हेड सहायक क्रिया है और आई सब्जेक्ट है, ये तो सबको पता चल जाएगा, जनरली बात है ये तो आई सब्जेक्ट हो गया, हेड सहायक क्रिया हो गई। इसके बाद देखिए नॉट है नहीं आपके पास, तो नॉट तो है नहीं, क्रिया देखें तो क्रिया भी आपके पास नहीं है, क्योंकि हेड ही यहाँ क्रिया का काम कर रही है तो क्रिया भी नहीं है, नंबर आता है ऑब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट की बात करें, एग्जाम आ लॉट ऑफ ड्यूरिंग टाइम, चार वर्ड हैं आपके पास जमाने के लिए। अब चार वर्डों में से कौन सा वर्ड किसके साथ जमाया जाएगा, तो एक चीज आप ध्यान देना। तो पहली चीज यहाँ पे देखिए एग्जाम जे भी नाउन है और टाइम की बात करें तो जे भी नाउन है, तो यहाँ पे आपके पास दो नाउन दी गई हैं, दो नाउन दी गई हैं, और एक जगह आ लॉट ऑफ, एक जगह डिटर्मिनर्स है, और एक जगह ड्यूरिंग, एक जगह प्रीपोजिशन है। तो आप लोगों को पता होगा कि एक नाउन के साथ डिटर्मिनर्स आएगा और एक नाउन के साथ प्रीपोजिशन आएगी, क्योंकि आप लोगों को ये भी पता होगा कि नाउन के पहले ही प्रीपोजिशन लगती है, नाउन के पहले ही डिटर्मिनर्स लगता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे जैसे हम कहते हैं इन स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल क्या है, एक नाउन है और प्रीपोजिशन। और जैसे हमने कहा है ऑल बॉयस, तो यहाँ पे बॉयस नाउन है और आल क्या है, एक डिटर्मिनर है, तो वैसे ही आल लॉट ऑफ एक डिटर्मिनर है। और यदि हम बात करें तो यहाँ पे नाउन जो है क्या हो जाएगा, एक तो टाइम, टाइम जो है नाउन है, और यदि हम बात करें एग्जाम भी एक डिटर्मिनर
नाउन है। तो आप सेट कीजिए कि किसके साथ क्या आएगा। तो यदि हम देखें एग्जाम, एक पहली नाउन एग्जाम है, दूसरी नाउन जो है टाइम है, तो किसके साथ क्या आएगा। एग्जाम के साथ आ लॉट ऑफ आ सकता है, मतलब यहाँ पे आ लॉट ऑफ किसके साथ जाएगा, ये चीज़ है ज़रूरी। आ लॉट ऑफ जो है बहुत सारा, अब बहुत सारा समय होता है या बहुत सारा एग्ज़ाम होता है, तो आप लोगों को खुद पता होगा। आ लॉट ऑफ टाइम जो है राइट आंसर होगा, तो आ लॉट ऑफ टाइम के साथ होगा। जबकि यहाँ पे ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, तो परीक्षा के दौरान, तो यहाँ पे जे भी सही जोड़ी इससे मिल जाती है और इसकी सही जोड़ी इससे मिल जाती है। अब ड्यूरिंग एग्जाम हो गया, ऑल आउट ऑफ टाइम हो गया, लेकिन लिखा किसे पहले जाए, मतलब ड्यूरिंग एग्जाम को पहले लिखा जाए या ऑल आउट ऑफ टाइम को पहले लिखा जाए, तो ध्यान देना ऑब्जेक्ट में पहले आता है क्या वाला, ठीक है ना, पहले आता है क्या वाला, और फिर आता है किसे वाला, फिर आता है कहाँ वाला, फिर आता है कब वाला। चार चार भी ऑब्जेक्ट हो तो आप इस टाइप से बनाएंगे, जैसे आई हैड, मेरे पास था, मेरे पास क्या था, बहुत सारा समय था, और कब था, परीक्षा के दौरान, तो क्या वाला ऑब्जेक्ट पहले लिखना होगा, अ लॉट ऑफ टाइम, मेरे पास जो है बहुत सारा समय था, तो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सारा समय था, और कब था, परीक्षा के दौरान, मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे कि ड्यूरिंग एग्जाम, मतलब परीक्षा के दौरान, और यही हमारा फिर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण ग्रामर जो है करी है। तो आप लोग जो है इनके नियम जरूर याद रखें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही का यही जो है ग्रामर आपसे पूछा जाएगा, बस इस आधार पे पूछा जाएगा। तो जो हम नियम बताते चल रहे हैं उन नियमों को जरूर आप याद रखें। धन्यवाद।